नगर के व्यापारियों ने कोरोना वायरस के भय से मार्केट का समय कम करवाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से कलेक्टर को दिया ज्ञापन। विगत दिनों सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सीहोर जिले की राजस्व सीमाओं की दुकानों को छूट दी गई है, जिसमें मार्केट खुलने का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया, लेकिन इस निर्धारित समय को लेकर नसरुल्लागंज के व्यापारी में आक्रोश व्याप्त है और आवेदन के माध्यम से इस समय को परिवर्तन करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही मार्केट खोलने निर्धारित किया जाए, जिसको लेकर नगर के व्यापारियों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर को भेजा आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नसरुल्लागंज से संतोष मीना की रिपोर्ट। इसका कारण ये है कि नगरी सीमा पूरी तरह से सील नहीं है, दूसरे जिले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना काम निपटा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और जा रहे हैं। कोई प्रशासन की तरफ से रोक टोक नहीं, प्रशासन की तरफ से नसरुल्लागंज की सीमाओं पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, जिससे आसानी से वो आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है। कोई संक्रमित आदमी यदि बाजार में आ जाता है, किसी दुकानदार को संक्रमित कर जाता है, तो वो दुकानदार से कितने लोग संक्रमित होंगे, पूरे शहर में संक्रमित होने का खतरा है। मेन उद्देश्य वही है कि कोरोना और हमारे नगर में प्रवेश ना करें, इसका प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। वो दुकान की सीट समय थोड़ा कम रहेगा तो बाहर से लोग नहीं आएंगे, जिससे संक्रमण फैलने का डर बहुत कम रहेगा। करवाना चाहता है व्यापारी संघ, ये चाहता है कि पहले समय 8 से शाम को 6 बजे तक था, अब व्यापारी समय ये चाह रहा है कि 8 से 1 बजे तक हो जाए, जिससे बाहर का लोग नसरुल्लागंज में नहीं आए और अपना 5 घंटे में लोकल के लोग काम निपटाए और बाजार अपने आप बंद हो जाए। और हमने आवेदन माननीय जिलाधीश महोदय को व्हाट्सअप करा है और यहाँ पर SDM साहब को भी अवगत कराया है।